हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो में 33 नंबर्स कवर रहेगा और वह भी सिंगल स्टेट में गेम प्ले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 96% आपका विनिंग चांस है, तो चलो शुरू करते हैं। 10 रुपीज से स्टार्ट करूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इसमें 11 बेट्स हैं और 11 बेट्स में आपको 11 ही प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि एक यूनिट प्रॉफिट होगा। इसमें 11x मिलता है। 1 का आप 10 रुपीज़ लगाया है ना, 10 का आपको 110 रुपीज़ मिलेगा प्लस आपका 10 रुपीज़, तो ऐसा करके आपको 120 रुपीज़ मिलेगा एक सिंगल स्टेट में। तो 10 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा। यदि लॉस होता है तो आपका पूरा 110 रुपीज़ लॉस होगा, तो उसके रिकवर करने के लिए वीडियो देखना है। रिपीट बेट एंड स्पिन अगेन। 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर 21 अगेन 10 रुपीज़ प्रॉफिट। आपको इसमें 96% विनिंग चांस है। अगर प्रॉफिट करोगे तो आपका रेगुलर प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जितना आपका बैकअप रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी स्ट्रेटजी में बताता हूँ सब में आपको बैकअप होना चाहिए। जितना बैकअप रहेगा उतना ही आपको प्रॉफिट करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अगेन 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। तो रिबेट तो देखना है कि वीडियो देखना है कब लॉस होगा और क्या मैं कैसे प्रॉफिट करूँगा, वो भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओनली प्रॉफिट देख के गेम प्ले करने आप लोग जाओगे तो शायद लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो आप लोगों के ही ऊपर होता है। ओके, नंबर 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 29 अगेन 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। 1 2 33 यानी कि 1 से लेकर 33 नंबर तक कवर हुआ है। अगर किसी भी नंबर में हिट होगा तो प्रॉफिट। फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ है, तो अगेन में रिपीट यानी कि रिपीट करूँगा। कितना टाइम लगेगा उसको रिकवर करने के लिए देखेंगे, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो देख लेना दोस्तों। ओके, नंबर 19 अगेन 10 प्रॉफिट। तो देखा ना आप लोगों ने, तो कितना बार मेरा हिट हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। कितना 10 स्पिन हो गया तो भी मेरा प्रॉफिट में ही है। देखो और प्रॉफिट होगा। अगर आपका लॉक अच्छा है तो आप 20 स्पिन तक रेगुलर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं मेरा कितना तक रिकवर हो, नहीं सॉरी स्पिन हिट होगा, तो देखते हैं 20 स्पिन तक प्रॉफिट तो होना चाहिए कभी भी, क्योंकि इसमें रेगुलर प्रॉफिट होगा तो दबा के प्रॉफिट होने वाला है। उसके लिए आपको 0 34 35 36 ये 4 नंबर का इंतजार करना होगा। अगर ये नंबर आ जाता है तो आप लोग ये गेम प्ले करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, और लॉस रिकवर होता है ना उसको भी रिकवर कर सकते हो। अगर एक बार लॉस हो जाएगा तो आप लोग एक स्पिन ब्रेक ले लेना, क्योंकि ब्रेक करना भी आपको बनता है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अब क्या आने वाला है, तो आप लोग रिबेट करके खेल लेना। उसके बाद आपको रेगुलर गेम प्ले करना है जब तक आपका लॉस रिकवर ना हो जाए, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कितना बेट लगाना पड़ेगा। ओके, लॉस होने के बाद तो अभी देखने को मिल जाएगा, तो अभी बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग लाइव देखना चाहती हूँ तो देख लो, ठीक है। ओके, नंबर 35 यहाँ पर देख सकती हो मेरा लॉस हुआ है कितना, 110 रुपीज। तो यहाँ पर रिबेट कर लेता हूँ प्लस
100 रुपीज़ करूँगा, ताकि एक ही स्पिन में मेरा हिट हो जाए और जो भी लॉस है वो रिकवर हो जाए। तो देखा मेरे को लग रहा था कि अब हिट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लगाया है और दूसरा बात नहीं है। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि हिट हो जाएगा तो यही बेट लगाना है, नहीं तो आप लोग एक स्पिन वेट कर लेना, ब्रेक करने के बाद सेम आपको 100+ करना है, यानी कि 110 रुपीज़ सब में लगाना है, ताकि एक स्पिन में ही रिकवर हो जाए। देखा ना, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगेन मेरे को 10 रुपीज़ प्रॉफिट, 16 स्पिन यानी कि 16 स्पिन मेरे को प्रॉफिट मिला रेगुलर। तो देखते हैं फिर से आगे क्या होता है। ओके मेरा 27 अगेन प्रॉफिट, अब कितना बार हिट होगा, तो 3 बार तक तो हिट हो चुका है। आपको जब लॉस होता है ना, एक बार आपको वेट कर लेना है क्या होता है, उसके बाद अगर प्रॉफिट निकल गया, अगर लॉस भी निकल गया ना, तो भी आप लोग बेट लगा लेना है एक, लेकिन एक स्पिन ब्रेक करना है। लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको उसमें मायना नहीं रखता, अगर लॉस होता है तो और अच्छा बात होता है, क्योंकि उसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, तो 99% आपका जीतने का चांस होता है। अगर आपका प्रॉफिट में ही निकल गया ना नंबर, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, उसमें 98% आपका जीतने का चांस रहेगा, 2% लॉस होगा, तो फिर भी आप लोग 110 रुपीज़ इवरी स्ट्रीट सिंगल स्ट्रीट में लगा सकते हो, ताकि आपका रिकवर एक ही बार में हो जाए। अगर वो नहीं चाहते हो, रिस्क ज़्यादा नहीं चाहते हो, तो 50-50 लगा लेना, 2 स्पिन में आपका रिकवर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक ही बार में लगाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही बार में रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकती हो मेरा 23 आने के बाद अगेन हिट हो चुका है। ओके तो रिबेट एंड स्पिन, नंबर 18 अगेन हिट हुआ है मेरा, तो 9 स्पिन अभी तक मेरा रेगुलर स्पिन प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे देख के भी आपको पता चल गया होगा, ये ट्रिक में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है विथआउट लॉस, यानी कि लॉस तो होता है ठीक है, लेकिन उसको एक बार दो बार लॉस होने को उसको लॉस नहीं बोलते हम लोग, मैं नहीं बोलता ठीक है, उसको लॉस नहीं बोलता, क्योंकि वो ऐसा लॉस है जो एक ही बार में रिकवर दे देता है, तो उसको लॉस क्यों बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग का मर्जी, कुछ भी बोल सकते हो, हर आदमी का ऊपर होता है वो। तो यहाँ पर नंबर 0 यहाँ पर देखा ना मेरा लॉस हो गया है, तो मेरे को अभी थोड़ा डाउट लगा है कि शायद फिर से 0 आने के बाद 34, 35, 36 रिपीट कर सकता है, तो एक स्पिन में इसे ही देख लेता हूँ, मेरे को लग रहा है ठीक है 0 आने के बाद शायद चेंज कर सकता है पैटर्न को, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं किया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लगाऊंगा 100 रुपीज़। अब इसमें मेरे को थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, ताकि 34, 35, 36 एंड 0 आने का चांस 2% है, तो फिर भी मैंने रिस्क लेके खेला, तो 24 आने के बाद पूरा रिकवर, जो भी लॉस हुआ था पूरा रिकवर हो चुका है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको फिर से वही सेम रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा यार 10 बार 20 बार, तो ऐसा सोच के आपको जो रोल है ना उससे ही हाथ से पार कर दोगे। अगर 1000 रुपीज़ आपका है तो डायरेक्ट आपको 100 तो नहीं लगेगा, 50 रुपीज़ लगा दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा रिस्क हो जाता है, ओनली 50 रुपीज़ प्रॉफिट होगा ठीक है, अगर 1000 रुपीज़ बैंक रोल 50 रुपीज़ स्टार्ट करोगे ओनली 50 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस हो गया ना तो आपके पास रिकवर करने के लिए अमाउंट नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, ओनली 50 रुपीज़ के इतना लालच करके क्या मिलेगा, पूरा चला जाएगा ना 1000 रुपीज़, अगर वही सही आप लोग लालच नहीं करते गेम प्ले करोगे तो ओनली 10 रुपीज़ से तो कितना जाएगा आपका 110 रुपीज़, अगर रिकवर करने का भी आपका थोड़ा अमाउंट बच जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको जितना बैंक रोल है उसको देखते हुए खेलना है, आपको जैसा अच्छा लगता है उसी हिसाब से खेलना, जो मैंने बताना था वो मैं बता दिया।
रिकमेंड तो मैं वही करूँगा कि आप लोग जितना हो सके लो अमाउंट से गेम प्ले करके थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट ले, ताकि दिन में आपका लॉस कभी भी ना हो। ओनली 10 रुपये क्यों नहीं, लेकिन आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, लॉस करने से अच्छा है आपको कुछ 1-2 रुपया प्रॉफिट मिले, यही आपके लिए अच्छा होता है। तो जो भी मैंने बताया आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।